नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। बता दें कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब तक नहीं आई। पुलिस का कहना है कि फिलहाल एक्ट्रेस का केस काफी ज्यादा पेचीदा हो रहा है। एक्ट्रेस का निधन हुआ है या फिर किसी ने उनकी जान ली है, फिलहाल पुलिस इस पर भी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार आकांक्षा को उसके होटल में छोड़ने वाला शख्स कौन था। एक्ट्रेस के कमरे में वह शख्स 17 मिनट तक रुका भी था। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा की मां मधु दुबे की शिकायत पर पुलिस ने भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों भाइयों की तलाश में जुटी हुई है। और अब इसी बीच आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक ये जानने के लिए जब वाराणसी के सरनाथ क्षेत्र के उसी होटल यानी के सोमेंद्र रेजिडेंसी में पहुंची पुलिस ने होटल कर्मियों के कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस कस्टडी में होने की बात बताई जा रही है। और अब यहां पर ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सोमेंद्र रेजिडेंसी के कमरा नंबर 105 में क्या हुआ। आकांक्षा का शव उसके पंखे से लटका हुआ मिला है। फिलहाल पुलिस मुंबई में भी तलाश कर रही है समर सिंह की। अब पुलिस ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि होटल के कमरे में सीसीटीवी फुटेज के पास जिस शख्स की तस्वीर कैद हुई है, आखिरकार ये शख्स कौन है। सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि आकांक्षा दुबे इस शख्स को जानती थी। इस शख्स का नाम संदीप सिंह बताया जा रहा है। हालांकि ये शख्स आकांक्षा को उस रात होटल में ड्रॉप करने क्यों आया और 17 मिनट तक आखिरकार वो रूम में क्यों था, फिलहाल पुलिस अब इस पर छानबीन कर रही है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।